नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हम हैं आज चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, लेकिन हम आज हैं पंजाब के राजभवन में। करीब 3 साल से शिवराज पाटिल पंजाब के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे से उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और लोकसभा के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। एक नज़र उनके सफरनामे पर। पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के चिंचोली में हुआ, जहां उनके नाना रहते थे। उनके पिता और दादा चाकूर गांव के प्रधान रहे थे और इलाके में उनका काफी सम्मान था। शिवराज पाटिल की पढ़ाई चाकूर, लातूर, हैदराबाद और मुंबई में हुई। बीएससी करने के बाद उन्होंने कानून में स्नातक और स्नातकोत्तर किया। एक वकील के रूप में उन्होंने अपनी धाक जमाई। 45 साल पहले वो राजनीति में आए। लातूर नगर पालिका के लिए चुने गए और 3 साल तक अध्यक्ष रहे। 1972 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। कुछ समय मंत्रिमंडल में रहने के बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष और अगली विधानसभा में स्पीकर पद की जिम्मेदारी संभाली। करीब 32 साल पहले वो लोकसभा के लिए चुने गए। वो 7 बार लोकसभा के लिए और 1 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। संसद की अनेक समितियों में शिवराज पाटिल ने अपनी भागीदारी बखूबी निभाई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री के रूप में शानदार काम किया। इसके बाद विदेश व्यापार, टेक्सटाइल, साइंस और टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा, समुद्री विकास और नागरिक उड्डयन जैसे अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद पर भी उन्होंने काम किया। पंजाब के राज्यपाल का पद संभालने से पहले वो देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने अनेक किताबें भी लिखी हैं। देश के मौजूदा हाल पर प्रश्नोत्तर रूप में लिखी उनकी किताब डायलॉग काफी चर्चित रही है। एक तरफ वो रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मौलिक काम के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी ओर उनकी पहचान भारतीय जीवन दर्शन और आध्यात्मिक सोच वाले विद्वान की है। राज्यसभा टीवी से बातचीत में शिवराज पाटिल ने अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बताया। मेरा जन्म मेरे नाना के घर में हुआ और हमारा गांव और उनके गांव में 50 किलोमीटर का अंतर था। हमारे जमीनात थे, दूसरा कोई व्यवसाय नहीं था। तो घर में कोई अड़चन नहीं थी, खुशहाली थी। 2-3 गांव में हमारे जमीनात थे और 2-3 गांव में के हेड ऑफ द विलेज जो बोलते हैं वैसे हालत थी। तो मेरा व्यक्तिगत जीवन बचपन का जो है मेरे दादी के इसमें हो गया और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी, किसी चीज़ की कमी नहीं। सिर्फ इतना ही है कि वो क्या करने का है, नहीं पढ़ना है, अपने को क्या करने का, अपने ज़मीनात हैं, अपने घर में करेंगे। मगर पिताजी बोलते कि नहीं, ज़मीनात होंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। और पिताजी ने पढ़ाया, अपने माँ के विचारों के खिलाफ मुझे पढ़ाया उन्होंने। उसके बाद फिर मैं फिर लॉ पढ़ाया, एक 10 साल लॉ पढ़ाया मैंने, ऑनररी लेक्चरर बोल के। तो लॉ में या कानून में आपकी दिलचस्पी थी या आपने एक करियर को? मैंने LLM किया था जी। तो कान प्रैक्टिस करना है बोलकर मैंने LLM किया था, मगर मैं बॉम्बे में करना चाहता था प्रैक्टिस। पिताजी बोले नहीं, अब एक घर का जो देखो ज़मीनात वगैरह है आपके, देखो हम लोगों को अब ज़्यादा दिन तकलीफ नहीं देना, इधर आ जाना। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करने शुरू कर दी। मगर 4-5 साल प्रैक्टिस किया, मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। तो ये राजनीति में प्रवेश आपका एक कई बार एक एक्सीडेंटल था। मैं नहीं चाहता था कि मैं राजकारण में जाऊं, मगर वहाँ के मिनिस्टर थे वो डिफीट हो गए थे, तो सारे कांग्रेस वाले डर कर घर में बैठे। तो हम लोगों को, नौजवानों को बोले कि तुम आओ कांग्रेस वालों को मदद करो।
उनका हेतु एक भी था कि जीत जाएंगे ये लोग, नहीं जीते तो कोई बड़ी बात नहीं है, नए लोग तो है, हार गए तो हार गए, मगर हम सब लोग जीत के आए। मैं म्यूनसिपैलिटी का प्रेसिडेंट बना फिर 3 साल के लिए, फिर वो पॉलिटिक्स शुरू हो गया। उसके बाद असेंबली में मुझे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, मगर मिसेस गांधी ने मुझे, इंदिरा जी ने उस वक्त बोले कि नौजवान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी चुन के आ सकता है ऐसे को टिकट लेने के, तो जिसको उन्होंने दिया था उसको काट कर मुझे टिकट दिया। तो 72 में मैं असेंबली में गया, फिर 72 से 80 तक मैं असेंबली में रहा, 80 को पार्लियामेंट में आया। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपने अपने चुनाव प्रचार में शायद आप इस तरह का एक अनूठा प्रयोग किया था कि आप और आपका जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है एक ही मंच पर आकर भाषण करते। नहीं, मैंने नहीं किया था जी, वहाँ क्या था, बच्चों ने किया था, वो कॉलेज के बच्चे। हाँ। वो हर इलेक्शन में आते थे हमारे पास और बोलते थे कि हमारे प्लेटफॉर्म में आके सब लोग भाषण करो, प्लेटफॉर्म हमारा, लोगों को हम जमा करेंगे, आपको एक पैसा खर्च करना नहीं का है, और हम आपको आधा घंटे का टाइम दे देंगे, और वो भी चिट्ठियाँ निकाल कर, जिसकी चिट्ठी पहले निकली उसको पहले बोलने को मिले, दूसरी निकली दूसरे को मिलना पड़े, और अपने मैनिफेस्टो पे बोलो, पॉलिसीज पे बोलो, व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं बोलना। ये विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं या लोकसभा? विधानसभा से ही, सारे इलेक्शन में बच्चों ने किया था मेरे, करीब करीब सारे इलेक्शन में, हर साल मुझे हर इलेक्शन में बुलाते और उसमें मतदाता सारे आपके, और बहुत बड़ी सभा हुआ करती थी, उनको भी इंटरेस्ट रहता था कि ये सब लोग आके क्या बोलते हैं, एक दूसरों के खिलाफ तो कभी बोले नहीं, पॉलिसी पे बोलते थे, और वो प्रयोग किया। लेकिन क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो ऐसे प्रयोग होते हैं, अब बताइए आज से 40-45-50 बरस पहले अगर बच्चे या नौजवान ये प्रयोग करते हैं कि दो उम्मीदवार या तीन उम्मीदवार एक ही मंच को साझा करते हैं, और वो केवल जो व्यक्तिगत आलोचना नहीं करते, वो नीतिगत बातें करते हैं, और हजारों लोग ये तय करते हैं कि उनको वोट किसको देना है, तो ये जो परंपरा है ये फैली क्यों नहीं, हमारे देश में इसका विकास क्यों नहीं हो पाया? असल में यही बात है कि हमको अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या है कि हम एक दूसरों को गालियां देने में, एक दूसरों के दोष बताने में, एक दूसरों को भला बुरा कहने में हमारा समय जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम नीतिगत बात करें, हमारी नीति क्या है, आपकी नीति क्या है, आपकी नीति अगर हमको दुरुस्त नज़र नहीं आती यहाँ पर तो बोलो दुरुस्त नहीं है, गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी सोचा था कि इस ऊंचाई तक आप पहुँचेंगे? और दूसरा प्रश्न ये है कि शिवराज पाटिल राजनेता और एक कुशल प्रशासक के अलावा क्या पसंद करते हैं, साहित्य, संगीत, फिल्म, म्यूज़िक, ये दो सवाल। मेरे पिताजी मेरे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बहुत ख़िलाफ़ थे, वो बोलते थे कि तुम्हारे जैसा आदमी पॉलिटिक्स में काम नहीं कर सकता, तुम बहुत सीधे साधे हो, वो ऐसे लोगों के काम की जरूरत वहाँ नहीं चलता है, तुम नहीं जाना उसके अंदर। लेकिन जब आप लोकसभा अध्यक्ष बने तो मुझे मेरे किसी इलेक्शन में वो नहीं आए। अच्छा, और किसी इलेक्शन में मुझे उन्होंने कंग्रेचुलेशन, जबकि उनका व्यापक सामाजिक संपर्क था, किसी इलेक्शन में नहीं आए। दिल में उनको अच्छा लगता होगा मगर कभी बताया नहीं। लेकिन जब आप महाराष्ट्र में मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, और तब असल में उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? महाराष्ट्र में मंत्री बने, मेरी ट्रेजेडी ये है कि मैं मंत्री बन रहे के 4-5 दिन के अंदर ही उनका इंतकाल हो गया था। आई कुड नॉट मीट हिम ऑल्सो। उनको तो अच्छा लगा होगा मगर वो स्वेयरिंग इन सेरेमनी को जब बुलाने के लिए गए, मेरे दोस्त लोगों बोले मैं नहीं जाता, उसको वो आएगा मुझे मिलेगा। और आपके शौक, मैं एक बार सवाल दोहरा रहा हूँ, शौक ऐसा है कि मुझे घोड़सवारी का शौक़ था, घर में घोड़े थे तो हम घोड़सवारी करते थे, मुझे शूटिंग वूटिंग का भी शौक़ था, मैंने उसका भी शौक किया, स्विमिंग का मैं यही करता था, और शटल बैडमिंटन वगैरह पेंटिंग में करता था। म्यूज़िक मुझे कभी आया नहीं, सुनने का मज़ा था मगर मुझे कभी आया नहीं, मैंने उसमें ये नहीं किया, कुश्ती उश्ती खेलता था। अच्छा, मुलायम सिंह की जैसा हमारे घर में कुश्ती के अखाड़े होते थे, हम खेलते थे बचपन से खेलते थे। और कभी घुड़सवारी रेस में आपने हिस्सा लिया या? रेस में नहीं लिया मगर घुड़सवारी करता था मैं, और मैं विदाउट रिकाब, मैंने रिकाब में पैर रखे मैं घोड़े पर चढ़ जाता था। और निशानेबाजी में जो आप? निशानेबाजी में मुझे प्राइज भी मिले हैं, फर्स्ट प्राइज भी मिला है एक दो कॉम्पिटिशन्स में। क्या राइफल या पिस्टल? राइफल राइफल।
चित्र पेंटिंग का जो आपने बताया कि पेंटिंग में करता था, बचपन से ही करता था ये था, और मगर पेंटिंग को मैं चालू नहीं रख सका। अपने जीवट, जज्बे और जीवंत अंदाज के लिए पंजाब की अपनी खास पहचान है। किसी ज़माने में इसी इलाके से पूरे देश को हरित क्रांति का एक नया रूप देखने को मिला था, लेकिन इन दिनों इसी पंजाब की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पंजाब के सरोकारों को लेकर शिवराज पाटिल से एक बातचीत। आज के पंजाब का जन्म 1966 में हुआ। पाकिस्तान की सीमा से सटा पंजाब अपनी बहादुरी और जीवट के लिए जाना जाता है। सिख पंथ की शुरुआत पंजाब की धरती से हुई और उनकी आस्था का सर्वोच्च केंद्र स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। करीब 40 साल पहले हरित क्रांति का आगाज पंजाब से ही हुआ था। इसी वजह से गेहूं की पैदावार में इस राज्य का शानदार रिकॉर्ड है। यहाँ के तीज त्यौहार और गीत संगीत पूरी दुनिया में मशहूर है। गिद्धा और भांगड़ा का नशा लोगों की सर चढ़कर बोलता है। पूरी दुनिया में सिखों ने अपने हौसले और जज्बे की धाक जमाई है। पंजाब की खुशहाली का एक कारण परदेश में बसे सिख भी हैं, लेकिन खुशहाली के साथ साथ पंजाब को कुछ गंभीर चुनौतियों का मुकाबला भी करना पड़ रहा है। 3 साल पहले जब शिवराज पाटिल ने राज्यपाल का पद संभाला, तब से आज तक इन चुनौतियों का सामना करने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। केंद्र शासित चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर भी उनका योगदान लोगों के सामने है। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में शिवराज पाटिल ने पंजाब को लेकर अपने सरोकारों का बयान किया। रिश्ता तो पहले से ही था, पंजाब के प्रश्न मेरे सामने आते थे, और यहाँ पर जो बॉर्डर पर हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उनके संबंध में प्रश्न आते थे, वहाँ के रहने वाले लोगों के संबंध में आते थे, और यहाँ के जो सरकार में जो लोग थे, मुख्यमंत्री वगैरह, उनसे भी मुलाकात होती थी। तो पंजाब तो सब लोगों के सामने था ही, तो मुझे मालूमात थे, वो रिश्ता रहा है। पंजाब की पहचान पूरे देश में एक ऐसे राज्य की है जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की और यहाँ खेती के मामले में एक शानदार रिकॉर्ड उसका रहा है। आप समझते हैं कि पंजाब की जो एग्रीकल्चर है आज उसके लिए कुछ चुनौतियाँ सामने हैं? पंजाब एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर हिमालय की मिट्टी आकर बिखर गई है और ज़मीन बहुत उपजाऊ बन गई है। दूसरी बात यह है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों से जो पानी निकलता है वो पंजाब से ही होते जाता है, ये 5 नदियों में से जाता है, इसीलिए इसको पंजाब भी कहा जाता है। ज़मीन जरखेज है और सिंचन की व्यवस्था अच्छी है, और यहाँ के लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर अनाज का जो उत्पादन हुआ है वो दूसरे प्रांतों के मुकाबले में बहुत अच्छा हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की जो खास बात है वो ये है कि हाँ, जो हमने अपना राज्यों के अंदर जो ढांचा बनाया है, विधानसभाएं बनाई हैं, और उन विधानसभाओं के जिस तरह से सत्र होते हैं और वहाँ सबको अपनी राय रखने का मौका मिलता है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों से ऐसा अनुभव हो रहा है कि अनेक राज्यों में सत्रों के दिन कम हो रहे हैं, बैठकें कम हो रही हैं, वहाँ बिजनेस कम हो रहा है, राज्य के हित पर गंभीर चिंताएँ कम हो रही हैं। आप समझते हैं पंजाब में कुछ इस तरह की कोई समस्या है? मुझे लगता है कि हमने हमारे संविधान के द्वारा कानून बनाने वाला और कानून पर अमल करने वाला और कानून का अर्थ लगाने वाले संस्थाएं बनाई हैं। हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाई है। अब जुडिशरी साल भर काम करती है, एग्जीक्यूटिव साल भर काम करती है, और लेजिस्लेचर ही साल भर नहीं काम किया तो कानून बनाने में कुछ कामियां रह जा सकती है, और जिस प्रकार के कानून बनने हैं वो शायद नहीं बन सकते। अब मुश्किल क्या हो रही है कि एग्जीक्यूटिव
साल भर काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे तुमको तो साल भर चाहिए, लेजिस्लेचर को थोड़े दिन में कैसा होगा। तो एग्जीक्यूटिव के मेंबर कहीं कभी बोल देते हैं हम साल भर भी चलाने के लिए तैयार हैं, अगर आपको 150 दिन साल में काम करने के लिए तो 200 दिन काम करने, और 200 दिन काम करोगे क्या? अगर रोज़ाना आप बंद करोगे, आपका लेजिस्लेचर की बैठक सेशन की बैठक नहीं चलने देंगे, काम ही नहीं करेंगे, वॉकआउट करेंगे, तो क्या ठीक होगा? वहाँ थोड़ा सा सुधार होने की ज़रूरत है, हर जगह पे, सिर्फ पंजाब में नहीं, हर जगह पर, नेशनल लेवल से नीचे लेवल तक उसकी ज़रूरत है। एक बात और होती है, जैसे कि संसद के साथ जो संसद की बहुत अनेक समितियाँ होती हैं और जो तमाम मंत्रालयों के बारे में विचार करती हैं, समस्याओं पर विचार करती हैं और अपनी राय देती हैं और सरकार उसको मानती भी है, कई बार उस पर बहस भी होती है। राज्यों में जो विधानसभाओं के साथ भी कई स्तरों पर कुछ समितियाँ गठित होती हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि ये समितियाँ एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हैं। केंद्र की जो समितियाँ हैं जो 90s में बनाई गई, वो समितियाँ स्टैंडिंग कमेटी, डिफेंस सब्जेक्ट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, वो बहुत पावरफुल है। और वैसी समितियाँ महाराष्ट्र में बनी थी, मगर वो भी रद्द कर दी गई। शंकरराव चौहान ने बनाई थी, बाद में दूसरे जो चीफ मिनिस्टर आए। क्या वजह थी रद्द करने की उस समय? उनको कभी कभी मिनिस्टर लोग बोलते हैं कि भाई कि रोज़ रोज़ हर चीज़ के लिए हम जवाब देते रहे क्या, काम करते रहे। मगर हमने उनको समझाया था कि देखो तुम दिल्ली में बैठ के काम करते हो और समिति के अंदर अगर रिपोर्ट आ गया तो आपको ही मदद हो जाती कि कहाँ गलती हो गई, तो वक्त पर दुरुस्त करने के लिए आप उसको नाकारते क्यों हैं? आपको गालियाँ देने के लिए ही वो रिपोर्ट बना रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है, दुरुस्ती के लिए भी हो सकता है। और वो उन्होंने मान लिया, वहाँ पर चली, दूसरी जगह पर भी अगर वो चली तो उसका उपयोग होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज के पंजाब की प्राथमिकताएँ क्या हैं? आज के पंजाब की प्राथमिकताएँ ये हैं कि पानी का इस्तेमाल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने की कोशिश करना। यहाँ पर फल फूल अनाज जो होता है उसको ज़्यादा दिन रखने के लिए प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है, और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए एग्रो बेस इंडस्ट्री यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। अच्छा, इंडस्ट्री यहाँ पर बढ़ने के लिए यानी लोहा, कोयला, लकड़ी, इसकी कमतरता ज़रूर है, मगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री